तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये आपका 13th चैप्टर होगा, जो 13वां चैप्टर है हिस्ट्री का, इतिहास का जो 13वां चैप्टर है वो है। ठीक है, तो 13वां चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो पॉसिबल है परीक्षा में पूछने लायक, तो उन सबको मैंने इंक्लूड किया है। और इससे पहले आप लोग देख सकते हैं जो है ऑलरेडी जो हमने जो है ऑलरेडी जो प्रीवियस चैप्टर सब है उनका भी हम लोगों ने चैप्टर वाइज आपको कवर कराया है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जो है हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी 1906। किस वर्ष हुई थी, 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। काफी आसान क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म सभी को पता है 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। चलिए ठीक है, और देखिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आप लोग भी अपने मन में आंसर देते जाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक, और जहाँ तक रही आप लोग को पीडीएफ मिलने का, तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आसानी से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, बिना कोई भी यहाँ पे पैसा पे किए हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तीसरा जो क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो सबको पता है कब प्रारंभ हुआ था, 1839 में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, 1839। तीसरा क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1881, 1858, 1890, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1885। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। महात्मा गांधी जो है वकालत पढ़ने गए थे, उसके बाद जो है वहाँ उन्होंने वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे आपको, तो 1915 में, सन 1915 में कब आए थे, तो सन 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ किया था, तो उन्होंने पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में 1917 में किया था। कब किया था पहला सत्याग्रह, कब किया था आपको, चंपारण में 1917 में, चंपारण में 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने, किसने दिया था, गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण कौन थे, गोपाल कृष्ण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, बारडोली, चंपारण, डांडी, वर्धा, तो कहाँ पे शुरू किया था, तो सबसे पहला जो कहाँ शुरू किया था आपको, चंपारण में किया था। ठीक है, सबसे पहला जो किसान आंदोलन है कहाँ पे शुरू किया था, तो चंपारण में। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर का भी होगा। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां जो है हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो डांडी मार्च जो है, कौन से डांडी मार्च, निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हो गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो डांडी मार्च से ही गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में, कब हुआ था, सन 1920 ईस्वी में, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे। ठीक है, किसके अनुरोध पर गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, राजकुमार शुक्ल, करेक्ट आंसर क्या होगा, राजकुमार शुक्ल। किसके अनुरोध पर गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे, तो वहां पे जाकर के उन्होंने किसानों के मदद की थी। ठीक है, आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था गांधी जी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। ठीक है, नमक कानून तोड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून आंदोलन कब तोड़ा, तो 6 अप्रैल 1923
1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गांधी जी किस गोल सम्मेलन में भाग लिया था, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्या बोल रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय। किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय। ठीक है, दांडी किस राज्य में स्थित है, तो दांडी गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में। चंपारण किस कहाँ स्थित है, चंपारण तो सबको पता है कहाँ पे स्थित है, बिहार में। ठीक है, चंपारण बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1915 में। कब हुई थी, सन 1915 में। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, सन 1915 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी, तो किस दिन फांसी गई थी, दी गई थी 23 मार्च 1931 को। किस दिन फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है शहीद किस कब हुए थे, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। 26 जनवरी 1930 को, 30 का दिन कांग्रेस के लिए किस रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शोक के रूप में नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में, 26 जनवरी 1930 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है बोल रहा है तो कब किया गया था, सन 1949 में। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, सन 1949 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, सन 1920 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना हुई थी 1900, 1902, 1907, 1910। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आप हमको जो है इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। ऑप्शन जो है आपका 1900 दिया हुआ, 1902, 1907, 1910। तो इसको जो है हमको कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मूव करते हैं हम। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, कब हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, तो 1936 ईस्वी में। कब हुआ था, 1936 में। ठीक है, बिहार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिहार का एक अलग राज्य अस्तित्व में आया, कब आया था, तो अप्रैल 1936 में। कब आया था, तो अप्रैल 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब आयोजित की जाने लगी थी, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में जो है एक साथ कंबाइंड कब आयोजित किया जाने लगा था, तो कब आयोजित किया जाने लगा था, तो 1922 ईस्वी में। कब आयोजित किया जाना, 1922 में आपको जो सिविल भारतीय सिविल परीक्षा जो है वो इंग्लैंड और भारत का एक साथ आयोजित किया जाने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैंने बोला है ना कि कम समय में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ कवर कराया जाएगा। ठीक है, कम समय में एकदम मैक्सिमम क्वेश्चन, नो बकवास, सीधा काम पे आएंगे हम लोग। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो 1785 में। कब की गई थी, 1785 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था, तो विधवा पुनर्विवाह का एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1856 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह का एक्ट कब पारित किया था, 1856 ईस्वी में। ठीक है, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था, तो 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। सती प्रथा अनुमूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ, सती प्रथा अनुमूलन कानून 1829 में लागू हुआ था, 1829 में हुआ था। ठीक है, विवाह विधवा पुनर्विवाह एक्ट का पारित हुआ था 1856 में, विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा अनुमूलन कानून एक्ट 1829 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था, 1907 में जो है सूरत कांग्रेस
सूरत में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष किनको अध्यक्ष चुना गया था, तो किसको चुना गया था, राय बिहारी घोष को। 1907 में जो सूरत का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, रास बिहारी घोष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। काला कानून किसे कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, ठीक है, एक्ट एकर नहीं होगा, लॉरेट एक्ट, ठीक। रॉलेट एक्ट को जो है हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वराज पार्टी के प्रमुख भूमिका किसकी किसकी थी, ठीक है, स्वराज पार्टी की प्रमुख भूमिका किसकी थी, ठीक है, तो चित्रंजन दास, चित्रंजन दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्वराज पार्टी के नेता जिन्हें केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया था, स्वराज पार्टी के नेता जिन्हें केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया था, तो कौन थे, विठल भाई पटेल, कौन थे, विठल भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए आप लोग, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, यानी तो लेक्चर देखिए, यानी तो पीडीएफ से देख लीजिए डायरेक्ट, ठीक है, आप कहीं से भी देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। गांधी जी की आत्मकथा किस भाषा में, गांधी जी की आत्मकथा किस भाषा में, तो वो बांग्ला भाषा में, किस भाषा में, बांग्ला भाषा में। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पे चंपारण गए थे, दोबारा ये क्वेश्चन आया है, किसके अनुरोध में गए थे चंपारण, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था, किसने किया था, महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, सन 1938 ईस्वी में, कब बने, सन 1938 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया, तो कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 ईस्वी में, कब आया था, तो 1946 में। तो ये था चैप्टर 13 का जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, ठीक है। तो आपको हर एक चैप्टर वाइज जो है यहाँ पे क्वेश्चंस कराया जा रहा है, ठीक। अगर ये आपको वीडियो थोड़ा सा भी अगर लगे कि आपको थोड़ा यूजफुल हुआ, तो ठीक है, तो इस वीडियो को है जो ज़रूर लाइक करिए, ठीक है, और जो है इस वीडियो को जरूर जो है अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। और अगर लग रहा है कि ये चैनल आपके लिए वर्थफुल है और आगे आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। Thank you.